guys this is swati your english educator from magnet brains welcome back in this video we are going to start with the final chapter of our english channel literature course book and the name of the chapter is the chocolate cream soldier which is a very unusual name isn't it a chocolate cream soldier it's actually a play i should say an extract from the play and it has been written by george bernard shaw so, it is a very interesting play. If you will read the entire thing, it is quite amusing, but here we are going to discuss only a small extract. So, let us see what is there in that. Now, before we start, of course, we have to know about our author. So, George Bernard Shaw, 1856 and 1950 was a famous Irish writer. So, what do you want to know about him? That he was this Irish writer and the co founder of the London School of Economics. He was the co founder of London School of Economics. He is best known for his plays, Pygmalion, Man and Superman, and Arms and the Man. So, basically, he is more of a drama writer, playwriter. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1925. So, out of the very few who have received this prestigious award,

जो जैसे सोसाइटी में सपोज यू आर द वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट और यू आर द वाइफ ऑफ सम कर्नल और एनीथिंग, सो यू आर नोन एज अ नोबल वुमेन लेट सी द डेफिनेशन वुमन हु बिलोंग्स बाय रैंक टाइटल और बर्थ टू द एरेस्टोक्रेसी मतलब जो बहुत ही हाई पोजिशन को बिलोंग करती है बाय बर्थ या बाय टाइटल या इफ़ शी इज मैरिड टू समन सो नाउ हियर

A young Bulgarian noblewoman is told that the man to whom she is betrothed, Sergius, had led a brave and successful cavalry in a recent battle. So now Zaina, she is already engaged to a, this Bulgarian soldier. So basically, Raina ki engagement Her fiance is Sergius. Now, what is the meaning of betrothed? Betrothed means a person with whom you are engaged to get married. तो जिससे उसकी शादी होने वाली है हिज नेम इज सर्जियस और उसको रिसेंटली एक न्यूज़ मिलती है कि सर्जियस ने अभी अपनी कैवल एक सक्सेसफुल कैवलरी चार्ज किया है कैवलरी का मतलब क्या होता है जो लोग होते हैं जो हॉर्स बैक पे लड़ाई करने के लिए जाते हैं सोल्जर्स हु फॉट ऑन हॉर्स बैक तो इन्होंने एक जो अपने एनिमी सोल्जर्स के ऊपर चार्ज किया कैव रिचार्ज किया एंड दे वॉज सक्सेसफुल एंड सो ब्रेव सो एवरीबडी वॉज प्रेजिंग द पर्सन एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज सर्जियस जो कि रायना का फ्यन से है As she rejoices, she is also given the news that Serbian soldiers are escaping through their city. So, as she rejoices, rejoice का मतलब क्या होता है? As she is enjoying the happiness, कि उसका जो होने वाला husband है, वो कितना brave है, उसको ये भी पता चलता है कि कुछ Serbian soldiers जो हैं, वो city से भागने की कोशिश कर रहे हैं. Running from his pursuers, an enemy soldier climbs into zaina's room. अब यहाँ पे एक और सीन अपने जितने भी दुश्मनों से भागते हुए एक जो एनिमी सोल्जर है वी आर टॉकिंग अबाउट अ तो सर्बियन सोल्जर सर्बियन जिनको बल्गेरियंस ने हरा दिया है सो एक सर्बियन सोल्जर जो है वहाँ से भाग रहा है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक घर पे चढ़ जाता है मतलब एक पाइप के थ्रू एक घर की विंडो से उसमें एंटर कर जाता है वो किसका रूम है वो है रैना का रूम पीछे का मैं आपको थोड़ा सीन बताती हूँ जैसे ही वो आता है सो शी यस लेकिन वो उसको मतलब वो उसको चुप करा देता है उसके सिस्टल रख दिया उसने बोला है की आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू अब ये आपकी बुक में नहीं दिया है और बट ओरिजिनल नॉल में यह है सो आई एम जस्ट टेलिंग यू सो वो बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू एंड वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में उसको दिखता है बट रायना शी इज़ वेरी सेंसिटिव शी फील्स बैड अबाउट द पर्सन और शी लेट्स हिम बी वो उसको वहाँ पर रहने देती है रायना गेट्स चॉकिंग विद हिम एंड फाइंड्स आउट दैट ही कैरीज चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ अम्यूनेशन इन बैटल सो रॉना उसके साथ बातें करने लग जाती है एंड वेरी स्ट्रेंजली शी गेट्स टू नो कि जैसे एक सोल्जर है सोल्जर के पास क्या होता है सोल्जर के पास गांस होती हैं सोल्जर के पास काटरिच मतलब उसके पास uh, जो बुलेट्स होती हैं बट इंस्टेड ऑफ इम्यूनिशन इम्यूनिशन का मतलब क्या होता है सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स एंड शेल्स सो इंस्टेड ऑफ बुलेट्स एंड शेल्स दिस सोल्जर इज कैरिंग चॉकलेट्स ओके नाउ लेट स्टार्ट विद द प्ले मैन सो दिस मैन द एनिमी सोल्जर ही इज वेरी हंग्री एंड वॉट डज ही सेम

लेकिन वो अपनी जो फीलिंग्स हैं अटल मतलब क्या होता है बोल पाना वो अपनी फीलिंग्स को अटल नहीं कर पाती देन शी सेल्स अवे मतलब शी लीव्स शी गोज टू अ चेस्ट ऑफ ड्रॉज चेस्ट ऑफ ड्रॉज मतलब एक कबर जिसमें बहुत सारे ड्रॉज होते हैं शी शी गोज देयर एंड शी कम्स बैक विद अ कन्फेक्शनरी इन हैंड मतलब शी कम्स बैक विद चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी का मतलब जो है ये आपका जो पेस्ट्रीज होते हैं चॉकलेट्स होते हैं और ऑल uh, दीज इनको आप कन्फेक्शनरी कहते हो क्लियर अलाउ मी आई एम सॉरी आई द बॉक्स सो वो बोलती है अलाउ मी मतलब कि ठीक है आपको भूख लगी है, लेट मी यू नो गिव यू समथिंग

तो so, वो बोलता है वाओ दिस इज सो क्रीमी एंड दिस इज सो डिलिशियस एंड देन ही लुक्स इन द पैकेट कि अरे और भी बची हुई है क्या देयर आर नन लेकिन और चॉकलेट्स थी नहीं ही एक्सेप्ट्स द इनएविटेबल विद पैथेटिक गुड ह्यूमर अब उसने क्या है ही इज सिटिंग एट अ स्ट्रेंजरस प्लेस वो भी एक लड़की के सामने ही इज अ सोल्जर ही इज ईटिंग लाइक दिस सडनली ही रियलाइजेस दैट ओ माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग अब वो नहीं चाहता वो एम्बेरसमेंट जो है वो फील करने के लिए तो वो क्या करता है वो एम्बेरस तो हो ही रहा है तो वो अपने गुड ह्यूमर से मतलब अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचता है कि इधर उधर बात घुमा देगा वॉट डज ही से ब्लेस यू डियर लेडी यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाय द इनसाइड ऑफ ऑफिस होस्लर्स एंड कार्ट्रिज बॉक्सेस उसने बोला कि ओह थैंक यू सो मच यू लेट मी ईट दिस एंड ब्लेस यू डियर लेडी तुम कभी भी ये बता सकती हो कि जो कोई सोल्जर है वो यंग सोल्जर है या वो एक ओल्ड सोल्जर है कैसे पता लगा सकते हो बाय द इन साइड ऑफिस होस्टलर्स बाय द इन साइड ऑफिस होस्टलर्स होस्टलर्स का मतलब क्या है लेदर केसेस टू कैरी गन्स जो लेदर केसेस होते हैं जिनके अंदर पूरे उनके गन्स होते हैं उसको देख के तुम बता सकती हो और उनके कार्ट्रिज बॉक्सेस को कार्ट्रिज मतलब जिसके अंदर बुलेट्स और शेल्स रहते हैं उसको देख के तुम बता सकते हो कि कोई जो सोल्जर है वो यंग है या वो ओल्ड है मतलब वो एक्सपीरियंस्ड है या वो एकदम नव नौसिखिया है यंग वंस वंस कैरी पिस्टल्स एंड द ओल्ड ग्रब जो नए होते हैं जो एकदम जिनके अंदर बहुत सारा जोश होता है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं वो पिस्टल्स कैरी करते हैं और जो ओल्ड हो जाते हैं वो फूड कैरी करते हैं ग्रब का मतलब यहाँ पे क्या है फूड र और वो किसी के पास भी जा सकते हैं दे आर सो ब्रेव देटिक नहीं सारे सोल्जर्स ऐसे नहीं होते मैन सेल्ड व एंड वंस तो जो मैन है जो एनिमी सोल्जर का जो बंदा है वो क्या बोलता है कि ये yes, दो ही टाइप के सोल्जर्स होते हैं एक ओल्ड वंस और एक यंग वंस आई हैव सब फोर्टीन ईयर्स हाफ ऑफ योर फेलोजर स्मेल्ट पाउडर बिफोर मैं फोर्टीन ईयर्स से अपने जो यहाँ पे जो आई एम लाइक वर्किंग एज अ सोल्जर मैं

Why? How is it that you have just beaten us? अब वो क्या बोलता है मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों ने हमें हराया कैसे Sheer ignorance of the art of war, nothing else. Sheer ignorance of the art of war. मतलब ये सिर्फ एक बहुत ही ignorance का मतलब क्या होता है ना समझी और आप जिसमें इग्नोरेंस मतलब यू आर नॉट अवेयर अबाउट समथिंग आप इग्नोरेंट हो उस मामले में तो उसने बोला ये और कुछ नहीं है इनडिगनेटली आई नव सो एनी सो अनल इनडिग्नेटली का मतलब क्या होता है, है। अनप्रोफेशनल कुछ नहीं देखा ही सोल्जर जिनको हराया गया है और वो बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आता कि इतने अनप्रोफेशनल लोग कैसे हो सकते हैं सो so, रोकिंगली मतलब मजाक उड़ाते हुए कहती है वो फिट अनप्रोफेशनल टू बीट यू ओ अच्छा मतलब अगर हमने तुम्हें हरा दिया तो ये बड़ा अनप्रोफेशनल था Man, well, is it professional to throw a regiment of cavalry on a battery of machine guns with the dead certainty that if the guns go off, not a horse or man will ever get 50 yards of the fire? तो उसने बोला क्या ये professional है कि तुम इतने सारे लोगों regiment का मतलब यहाँ पे क्या होता है a large group of soldiers, एक बड़े से group of soldiers को और वो भी जो horses पे हैं

मतलब अगर मेरे पास मशीन गन्स हैं तो चाहे आप घोड़ों पे आओ या हाथी पे आओ आप 50 यार्ड तक भी नहीं पहुंच पाओगे आई कुडंट बिलीव माय आइज व्हेन आई सॉ इट और जब मैंने देखा कि हमारे पास मशीन गन्स थी और वहाँ से जो कैवलरी चार्ज हो रहा था मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया कि कोई ऐसा भी कर सकता है ज़ायना ईगली डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज और टेल मी अबाउट इट डिस्क्राइब इट टू मी नाउ ज़ायना न्यू दैट

फर्स्ट वन कम्स टू अट्स वी क्लोज बिहाइंडल दम्प सो अब वो क्या बोल रहा है कि जो ये कैवी चार्ज होता है उसने उसको किससे कंपेयर किया उसने कंपेयर किया है कि स्लिंगिंग हैंडफुल ऑफ पीस अगेंस्ट द विंडो पेन मतलब अगर कोई खिड़की है उसका दरवाज़ा मतलब उसका कांच बंद है तो अगर आप उस पर बहुत ही स्लिंगिंग का मतलब क्या होता है टू थ्रो और ड्रॉप समथिंग केयरलेसली तो मटर के दाने जिस तरीके से आप डालते हो तो पहला दिखता है दूसरा दिखता है बाद में सब उसके ऊपर लंप की तरह दिखता है मतलब एक के ऊपर एक आ जाते हैं उस तरीके से दिखता है तो वो कह रहा है कि अगर कैवलरी चार्ज जो होता है ऐसा ही होता है अगर आप भी मेरे हाथ में गांस हैं और अगर मैंने कैवलरी चार्ज किया एक दो उसके बाद सिर्फ जो है लम्पस ही दिखेंगे Her eyes widening as she raises her clasped hands ecstatically. Yes, first one, the bravest of the brave. Now she was totally into her fiance and she was thinking, Ha, just yes, yes, we are talking about the first one, the most brave person. Prosecule, hmm, you should see the poor devil pulling at his horse. Prosecly, matlab, kya hota hai? In a dull and matter of fact manner. स you मतलब know, you तुम्हें देखना चाहिए था उसको पुलिंग एट हिज होस मीन्स पुल क्विकली एंड रिपीटेडली मतलब वो बार बार जो था ना उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो आओ 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 वु ही पुल एट हिज होस अब उसने बोला कि वो बार बार ऐसा क्यों करेगा Impatient of so stupid a question! Now this woman, she had no idea about the war scenario and the cavalry charge. So up, this man, the enemy soldier, tha, he got a bit irritated with such a stupid question. It's running away with him, of course. मतलब वो अपने घोड़े के साथ जो है वो रन कर रहा है वो इस तरीके से आ रहा है डू यू सपोज द फेलो वॉन्ट्स टू गेट देयर बिफोर दी अदर्स एंड बी किल्ड मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा है वो वो उन लोगों का लीडर है बट ही इज़ नॉट कमिंग ऐसा नहीं है कि उन उनके और बाकी की टीम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो क्यों अकेले आके मरना चाहेगा सो देन दे ऑल कम तो वो अकेले नहीं आएगा वो एक साथ अपने पूरे कैवलरी के साथ आएगा they know that they are mere projectiles and that it's no use trying to fight और जितने पीछे आ रहे हैं उन्हें पता है दे आर मेयर प्रोजेक्टाइल्स मतलब

यू you नो know, वहाँ पे जब भगदड़ मच जाती है तो वून्स जो होते हैं जो चोट लगती है वो यूजुअली ब्रोकन नीज होती है क्योंकि जब हॉर्सेस जंप करते हैं एंड दे स्टार्ट गोइंग बैक तो ये लोग जब गिर जाते हैं तो घुटनों जो है उनमें लग जाती है आह बट आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज अ कावर्ड आई नो ही इज अ हीरो तो उसने क्या कहा तुम जिस तरीके से कह रहे हो तुम ये कह रहे हो जो लीडर था उनका वो जो था वो कोई हीरो नहीं था वो एक कावर्ड था और जो अपने जो डर गया था इसलिए वो सोल्जर्स के साथ आ रहा था मेरे हिसाब से वो एक हीरो है और वो बहुत ज्यादा ब्रेव है गुड ह्यूमडली दैट्स वॉट यू वुड हैव सेड इफ यू हैड सीन द फर्स्ट मैन इन द चार्ज टूडे तो उसने बोला कि हाँ तुम्हें ऐसा ही लगेगा अगर तुम मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना तुम वही कहोगे अगर तुमने आज वाले को देखा होगा नॉट दिस Enemy एनिमी सोल्जर talking to रैना he has no idea कि रायना अपने fiance के बारे में बात करी और उसका fiance ही था जिसने इस charge चार्ज को lead किया था तो उसने यहाँ क्या कहा कि अगर तुम आज जिसने वो cavalry charge lead किया था ना अगर तुम उसको देखती ना तो तुम definitely अपना ये perception change कर लेती अब ah, I knew that I knew it. Tell me, tell me about him. तो उसने बोला हाँ मुझे पता है बताओ मुझे उसके बारे में tell me about the person who led the cavalry charge today.

उसने आज जिस तरीके से कैवलरी चार्ज किया था ऐसा लग रहा था वो वहाँ पे खड़े होकर गाना गा रहा है एकदम ही वॉज हैंडसम उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल आइज थी फ्लैशिंग आइज़ थी उसकी एक मुस्तैश थी लेकिन जब वो वॉर क्राई शाउट कर रहा था व्हाट इज़ अ वॉर क्राई जो आप अपने जो पूरे जो आपके सैनिक हैं जो सोल्जर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जो आप चिल्लाते हो जो आप बोलते हो लेट्स गो लेट्स हिट देम और ये इसको वॉर क्राई कहते हैं तो उसने बोला जब वो वॉल क्राई कर रहा था तो हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को दबा के बैठे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कोई ऑपरा सिंगर जो है वो वॉर क्राई कर रहा हो बट देन white रैन अप एज वाइट एज us शीट एंड टोल्ड us दे wrong cartridges. तो वी वर ऑल श्योर कि यार ये लोग क्यों आ रहे हैं ये कैवलरी चार्ज कर रहे हैं हम इनको पाँच मिनट में खत्म कर देंगे बट देन इनके जो सर्जेंट सर्जेंट मतलब क्या होता है जो पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक जो होती है वो एक इंस्पेक्टर से नीचे होती है तो एक सर्जन आया और उन्होंने बताया कि हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई है क्या हुआ इनके जो कार्ट्रेजेस थे जिसके अंदर बुलेट्स होनी चाहिए गलती से वो उन कार्ट्रेजेस के साथ रिप्लेस हो गए थे जिनमें फूड होता है तो अब इनके पास ऑल दे दैट वाज तो वॉज कार्ट्रिजेस जो हो गया था उन्होंने भेज दिए थे जो कार्ट्रिजेस मतलब जिसमें बुलेट्स रखते हैं एंड दैट वी कुड नॉट फायर द शॉट फॉर नेक्स्ट मिनट्स उन्होंने ये बताया कि अगले दस मिनट तक जो नेक्स्ट कार्ट्रिजेस हैं वो दस मिनट तक नहीं आ सकती और अगले दस मिनट तक हमारे पास शूट करने के लिए एक सिंगल बुलेट नहीं थी आई नेवर फील सो सिक इन माई लाइफ दो आई हैव बीन इन वन और टू वेरी टाइट प्लेसेस मतलब मेरे को इतना बुरा अपनी लाइफ में कभी नहीं लगा हाँ मैं इससे पहले भी टाइट प्लेसेस मतलब मैं इससे पहले भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में पड़ चुका हूँ लेकिन मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा मतलब देर इज अ वॉर गोइंग ऑन सामने वाला जो है उसने एक बहुत ही स्ट्यूपड मूव किया है कि गन्स के सामने वो घोड़ों पर आता है जितने भी गर्न्स कैरी कर रहे थे उन्हें लगा वो पांच मिनट में जीत जाएंगे एंड देन दे रियलाइज उनके पास बुलेट्स नहीं है सो ही फेल्ट मिजरेबल टू दिस and i hadn't even a revolver cartridge nothing but chocolate and all these soldiers had instead of bullets and shells they had chocolates usne bola revolver cartridge we are not talking about the big guns we had no bayonets bayonets nothing of course they just cut us to bits वी हैव हैड नो बेनट्स नथिंग बेउनट्स मतलब नाइव फिक्स टू द एंड ऑफ राइफल्स एंड यूज एज वेपन्स इफ़ यू हैव सीन एनी वॉल मूवीज जो नाइव्स होती हैं मतलब जो गन्स होते हैं उनके यूजली पीछे बेउनट्स का मतलब क्या होता है उनके पीछे जो होती है नाइव्स होती है तो जैसे अगर उन्होंने शूट कर रहे हैं अगर वो उनकी बुलेट्स ख़त्म हो गई तो वो उसको अपसाइड टर्न पूरा टर्न करते हैं एंड इसके अर्ध यूज इट एज अ सॉर्ड uh, सॉर्ड मतलब वो की तरह से हेल्प करती है तो उन्होंने बोला हमारे पास वो भी नहीं था तो ऑब्वियसली जब वो आए उन्होंने जब हम पे अटैक किया तो उन्होंने मुझे हमें बहुत जल्दी हरा दिया एंड देर वॉज द लीडर थिंकिंग एवर नोन और वहां पे वो लीडर खड़ा था उसे लगा उसने जिंदगी का सबसे ज्यादा क्लेवर काम किया है Whereas, जबकि हमारे हिसाब से तो उसका कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए था कोर्ट मार्शल का मतलब क्या होता है बी ब्लॉड बिफोर द मिलिट्री कोर्ट फॉर ट्रायल मतलब जब आपने कोई बहुत बड़ी गलती करी होती है आर्मी में तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट के साथ आपके सारे जो स्टार्स होते हैं आपने जितने भी प्रेस्टिजियस जो भी आपने अभी तक ब्रेवरी दिखाई है कुछ भी किया है वो सब आपसे ले लिया जाता है यू आर सस्पेंडेड सो so, उसने बोला कि मेरे हिसाब से तो उसको इंसल्ट करके सस्पेंड कर देना चाहिए था उसने इतना फुलिश एक्ट किया था ऑफ ऑल द फूल्स एवर लेट लूज ऑन फील्ड बी द वेरी मैडेस्ट आज तक मैंने जितने भी फूल्स देखे हैं जिनको लेट लूज मतलब जिनको ऐसा लगता है फील्ड में खुला, खुला छोड़ देते हैं एकदम फ्रीडम दे देते हैं कि भाई तुम्हें जो करना है करो तो वो लोग मैड हरकतें करते हैं ये जो था उसमें से सबसे बड़ा वाला पागल था He and his regiment regiment simply committed suicide. suicide Only the pistol missed fire, That's all. Unke uske pure jo regiment the, ek se suicide commit हमारे पास गन्स थे एंड इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू किल एक तरीके से वो सुसाइड करने आए थे कि हमारी पिस्टल्स जो थी वो काम नहीं कर पाई. रैना डीपली wounded बट लॉयल टू हर आइडियल्स अब रायना को यह सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा बट वट डिट शी हिम अगेन इफ यू सो हिम उसने बोला ओके okay. अगर तुमने उसको फिर से देखा क्या तुम पहचान पाओगे Shall I ever forget him? उसने बोला क्या मैं उसे कभी भूल सकता हूँ

पेट्रियॉट एंड हीरो इंसान की पिक्चर है और जिससे मेरी सगाई हो चुकी है लुकिंग एट इट आई एम रियली वेरी सॉरी लुकिंग एट वॉज इट फेर टू लीड मी ऑन लुक्स एट द पोर्ट्रेट अगेन येस दैट सेम नॉट अ डाउट ऑफ इट स्टिफिल्स तो जैसे वो उसको देखता है उसको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड इससे इसकी इंगेजमेंट हो चुकी है और मैंने क्या, क्या क्या कह दिया उसके बारे में तो वो क्या कहता है ओ आम रियली वेरी सॉरी एंड वो बहुत उसको देखते हुए कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी फिर वो बोलता है क्या ये सही था तुमने मुझे बताया नहीं एंड यू लेट मी ऑन मतलब तुमने मुझे उकसाया कि मैं सारी बातें कह दूँ उसके बाद वो वापस उस पोर्ट्रेट को देखता है और बोलता है हाँ ये वही और बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबाता है वट डू यू लाफ जायना पुछती तुम क्यों हंस रहे हो तो अब वो क्या होता है वो उसको बहुत शर्मा किसी क्यों आ रही तो बोलते बोलता है नहीं 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 मैं हंसा नहीं था आई मीन आज स्वेर में बिल्कुल हंस नहीं रहा था एटलीस्ट में जान पूछ के नहीं हंस रहा था बहुत मुश्किल से वो अपनी हंसी दबाते हुए ये कहता है रैना अब बहुत सीरियसली कहती है गिव मी बैक द पोर्ट्रेट सब आप मुझे वो पिक्चर वापस कीजिए Man, with sincere remorse, अब वो literally sad है कि उसने राइना को hurt किया. Of course, certainly, I'm really very sorry. Perhaps I'm quite wrong. You know, no doubt I am. उसने बोला, I'm really very sorry. हो सकता है मैं गलत हूँ. In fact, you know what? मैं बिल्कुल गलत हूँ. Most likely, he had got wind of the cartridge business somehow and knew it was a safe job. हो सकता है. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. आपका जो फ़िअन्से है, वो बहुत brave है. हो सकता है उनको ये पता चल गया होगा ही गॉट अ विंड ऑफ द कार्ट्रिज बिजनेस का मतलब उनको ये जो हमारे जो कार्ट्रेज हैं ये अदल बदल जो इनकी अदला बदली हो गई है हो सकता है उनको उसके बारे में पता चल गया हो एंड दैट इज वाई ही अंडरस्टूड कि नहीं नहीं आप इस तरीके से आ सकते हो जबकि ही डिड नॉट मीन दिस

अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो कि अब वो प्रटेंड भी कर रहा है वो कावर्ड भी है और ये तुमने पहले तो नहीं कहा था मैम विद अ कॉमिक जेस्चर ऑफ डिस्पेयर अब वो क्या करता है बिल्कुल अब उसके पास कोई होप ही नहीं है कि वो क्या कहेगा ना से कि उसको मान, मना पाए इट्स नो यूज डियर लेडी उसने बोला हां सही है मतलब कोई मतलब नहीं है आई कांट मेक यू सी इट फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसने बोला देखो मैं एक सोल्जर हूं और मैं तुम्हें प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा सकता as he turns away the firing begins again in the distance तो जैसे ही वो उसके पलटता है उससे बातें करते हुए तो अचानक से वापस फायरिंग स्टार्ट हो जाती है sternly as she sees him listening to the shots so much the better for you तो उसने क्या बोला हाँ ठीक है आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ठीक है तुम्हारे साथ जो हो रहा है ठीक ही है तो उसने मैन ने क्या बोला कैसे हाउ You are my enemy and you are at my mercy. What would I do if I was a professional soldier? उसने बोला हाँ ठीक है professional right. तो अब तुम एक enemy soldier हो और तुम मेरी mercy पे हो मतलब तुम मेरे घर पे हो तुम मेरे घर पर as अ यू नो तुमने एक थोड़ा सा मतलब शरण लिया हुआ है and you are at my mercy. I can do anything with you. यू तो तुम मुझे बताओ एज अ प्रोफेशनल सोल्जर मुझे क्या करना चाहिए Ah ट्रू डियर यंग लेडी यू आर ऑलवेज राइट आई नो हाउ गुड यू हैव बीन टू मी टू माई लास्ट आवर आई शल रिमेम्बर दो स्वीट चॉकलेट क्रीम्स तो उसने क्या कहा कि यहाँ तुम तुम तो कितनी अच्छी हो तुमने मेरे को कितना हेल्प किया है और तुम्हारी वजह से मेरा पिछला एक घंटा नॉर्मल गया है मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे वो चॉकलेट क्रीम्स तो मैं कभी नहीं भूलूंगा रायना ने बिल्कुल एक्सप्रेशन चेंज नहीं किए एकदम कोल्डली मतलब विदाउट एनी इमोशंस शी सेट थैंक यू एंड नाउ आई विल डू अ सोलजर्ली थिंक उसने बोला हाँ ठीक है जो भी है और अब मैं एक सोल्जर्ली थिंक करूंगी यू कै नॉट स्टे हेयर आफ्टर वॉट यू हैव जस्ट सेट अबाउट माई फ्यूचर हसबेंड तुमने जो मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में कहा है जो भी कहा है उसके बाद तुम यहाँ नहीं रह सकते बट आई विल गो आउट ऑन द बैलकनी एंड सी वेदर इज इट वेदर इट इज सेफ फॉर यू टू क्लाइंब डाउन इन टू द स्ट्रीट तुमने अब जो कहा है उसके बाद तुम यहाँ नहीं रह सकते लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर करूंगी आई विल गो टू द बेल्कनी टू सी कि वहां पे नीचे कोई सोल्जर है तो नहीं एंड तुम बेल्कनी से नीचे उतर के वापस स्ट्रीट पे चले जाओगे शी टर्न्स टू द विंडो और वो विंडो की तरफ जाने लगती है With changing expression, down that water pipe. Stop. Wait. I can't, I can't. not. जाने तो वा वाला हूं एंड उसको डर लग जाता है उसको बोलता है नहीं नहीं मैं वापस नहीं जा सकता वेट I cannot. I dare not do that again. The very thought of it makes me giddy गेडी मतलब उसको सोचते हुए भी मुझे चक्कर आ रहे हैं came up at फास्ट इनफ विथ डेथ बिहाइंड मी मैं बहुत जल्दी चढ़ के आ गया था मेरे पीछे मौत लगी हुई थी मेरे पीछे सोल्जर्स थे और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस इम्पल्स में मैं नीचे आ गया और मैं यहाँ पे चढ़ के आ गया था बट टू फेस एट नाउ इन कोल्ड ब्लड मतलब आप सोचते समझते हुए कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है इन अ डिलिबरेट मैनर कि आप जो कर रहे हो आपको पता है आपके सेंसेस सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं ही सिंग्स ऑन द ऑटोमैन ऑटोमैन मतलब जो काउच और सोफा होता है उस पर जाके वो वैसे करके जोर से बैठ गया इट्स नो यूज आई गिव अप आई एम beaten. उसने बोला कोई मतलब नहीं है मैं हार मानता हूँ मैं हार चुका हूँ गिव द अलार्म जाओ एक काम करो उनको जाके बता दो He drops his his head in his hands in hands the deepest dejection hopeless sad इस तरीके से अपने हाथ से अपना face को पूरा cover करके बैठ जाता है, है रायना को उसके ऊपर दया आ जाती है वो क्या बोलती है Come on इतने दुखी मत हो डोंट लूज योर हार्ट शी स्टूप्स ओवर हिम ऑलमोस्ट मेटरनली तो वो उसके ऊपर जो है उसको रिलैक्स करने के लिए ऑलमोस्ट एक मेटरनली मतलब एक माँ की तरह जो है वो उसके ऊपर झुकती है और उसको जो है रिलैक्स करने की कोशिश करती है शी शेक्स हिज हैंड मतलब उसका जो मेटरनली जो है वो उसका सर जो है सहलाती है ओ oh, You are a very poor soldier, a chocolate cream soldier. Come cheer up. तो बोलती है आ कैसे सोल्जर हो तुम इतनी जल्दी हार मान गए तुम एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो ना इट टेक्स लेस करेज टू टू क्लाइम डाउन देन फेस कैप्चर रिमेंबर दैट उसने बोला पकड़े जाने से तो अच्छा है ना कि वहां से नीचे उतर जाओ ड्रीमिली लर्ल्ड बाय हर वॉइस तो उसकी आवाज इतनी अच्छी थी उसको ऐसे लोरी जैसी लग रही थी तो एकदम ड्रीमिली क्या कहता है नो कैप्चर ओनली मीन्स डेथ एंड डेथ इज स्लीप उसने बोला नहीं कैप्चर का मतलब क्या है कि वो लोग मुझे मार देंगे और मरने का मतलब क्या है कि मैं सो जाऊंगा ओ स्लीप 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 अनडिस्टर्ब स्लीप मैं सोना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोई जगह नहीं बीच में क्लाइंबिंग डाउन द पाइप मीन्स डूइंग समथिंग एग्जर्टिंग माई सेल्फ थिंकिंग उसने बोला क्लाइंबिंग डाउन का मतलब क्या है मुझे कुछ करना पड़ेगा मुझे अपने आप को वापस थकाना पड़ेगा मुझे सोचना पड़ेगा डेथ टेन टाइम्स ओवर फर्स्ट इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ एंड वंडरिंगली आर यू सो स्लीपी एज दैट क्या तुम वाकई इतना ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हो आई हैव नॉट हैड टू आवर्स अनडिस्टर्ब स्लीप सिंस द वॉल बिकैन जब से वॉल चालू हुआ है मैं दो घंटे से ज़्यादा नहीं सोया हूँ आई हैवन क्लोज माई आईज फॉर थर्टी सिक्स आवर्स और पिछले थर्टी सिक्स आवर्स में मैंने अपनी आँखों को एक बार बंद भी नहीं किया है वॉट एम आई टू डू विथ यू अब रायना सोचती है हे भगवान अब मैं तुम्हारा क्या करूँ स्टैगरिंग आप स्टैगरिंग का मतलब वॉकिंग विथ अनस्टडी स्टेप्स मतलब जब आप एकदम जो है अपने थोड़ा सा ड्रीम होते हो या थोड़े से गिडी होते हो तो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलते हो तो वो वैसे उठता है अफकोर्स आई मस्ट डू समिंग ही शेक्स हिमसेल्फ पुल्स हिमसेल्फ टूगेदर तो वो अपने आप को शेक करता है एकदम वापस अपने आप को पुल अप करता है एंड स्पीक्स विथ रेलिट बिग एंड करेज और अब जो है रेलिट का मतलब क्या होता है कि वापस वो अपनी पूरी ब्रेवरी अपना करेज जो है इकट्ठा करता है वो बोलता है यू सी स्लीप और नो स्लीप हंगर और नो हंगर टायर्ड और नॉट टायर्ड यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग वेन यू नो इट मस्ट बी डन भले तुम्हें भूख लगी हो या नहीं तुम्हें नींद आई हो या नहीं अगर तुम जो हो उसने मतलब टायर्ड हो या नहीं जब तुम्हें कोई काम करना है तो करना है बस बात खत्म बट इफ यू फॉल अब रैना को डर लगता है वो बोलती है अगर तुम गिर गए तो बोलता है तो ऑब्वियली मैं मर जाऊंगा और मेरे लिए वो जो स्टोन है वो एक फेदर बेट की तरह होगा जिसमें मैं सो जाऊंगा गुड बाय ही मेक्स बोल्डली फॉर द विंडो एंड हैंड इज ऑन द शटर वेन देर इज अ टेरेबल बोस्ट फायरिंग इन द स्ट्रीट बिनेट वो एकदम बहुत ही फटाफट जो है विंडो की तरफ जाता है और बस एक हाथ उसका शटर पे होता ही है तभी अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है रायना उसकी तरफ दौड़ के जाती है स्टॉप शी कैचेस हिम बाय द शोल्डर एंड हिम क्वाइट अराउंड तो उसको वो बोलती है रुको उसके शोल्डर से उसे पकड़ के उसको पलटती है अपनी तरफ दे विल किल यू वो लोग तुम्हें मार डालेंगे कूलली बट अटेंटिवली वो एकदम सुन रहा है उसकी बात लेकिन एकदम कूल होके क्या बोलता है नेवर माइंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल आई सी इन माई डे वर्क डे वर्क मतलब मैं यही तो करता हूं दिन भर आई एम बाउंड टू टेक माई चांस मुझे पिक आउट द कैंडल्स पुट आउट द कैंडल्स बनाई ओपन द शटर्स जो ये कैंडल्स है इनको बुझा दो ताकि जब मैं यहाँ से उतर दू वो लोग मुझे देख न पाए एंड कीप अवे फ्रॉम द विंडो वॉटर यू डू और कुछ भी करो लेकिन विंडो के पास मत आना क्योंकि वो लोग मुझे जैसे ही देखेंगे वो मुझे मार देंगे इफ दे सी मी दे आर श्योर टू हैव अ शॉर्ट एट मी अगर उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझे गोली मार देंगे अगर तुम आसपास पास रही तो क्या होगा तुम्हें भी लग जाएगी इसीलिए जो भी करोगी बस तुम आसपास मत रहना That's it. So this was a small extract from the chapter A Chocolate Cream Soldier an extract which is actually taken from Arms and the Man. I hope you understood this. And in our next video, like for this time, we are done. In our next video, we are going to start with the summary and question answers. Right? And also the grammar solutions. So, thank you so much for watching. And I hope you have the chapter clearly. In case of any doubts, please mention them in the comment box and keep watching the videos. Second part will be.

और सारे सब्जेक्ट्स अपेयर हो जाएंगे क्लिक ऑन इंग्लिश चैनल एंड देन एवरी टॉपिक विल बी पोर्ट्रेट देयर आपको सारे जो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज समरी है ग्रामर सोल्यूशन है क्वेश्चन आंसर्स हैं एवरीथिंग वुड बी रिटर्न देयर बस आपको क्लिक करना है एंड यू कैन स्टार्ट योर कोर्स ऑल्सो सपोज यू वॉन्ट टू गो बैक दिस विल दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट इफ़ यू वॉन्ट टू गो बैक तो आप यहाँ से बैक का बटन प्रेस करोगे देन अगेन यू कैन सेलेक्ट अ सब्जेक्ट And all, another topic, same process. Clear? So, thank you so much for being with us here at Magnet Prince, where we provide you free education so that you can excel in your life. Take care of yourselves. Bye. -bye.